बुधवार की दोपहर 3 बजे के लगभग एक कलयुगी भाई ने अपनी ही सगी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आसनसोल बाजार संलग्न खटिकपाड़ा में 19 वर्षीय कमल सोनकर पर उसके सगे भाई राहुल सोनकर ने गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दोपहर 3 बजे के लगभग जब फायरिंग की आवाज आई तो सुनकर पड़ोसी बाहर निकले और देखा कि राहुल गोली मारकर भाग रहा है। घटना के बारे में एक पड़ोसी ने बताया कि राहुल बाहर से आया और किसी बात को लेकर दोनों भाई बहन में कहासुनी हो गई और राहुल ने अपनी बहन पर गोली चला दी। कमल की शादी हो चुकी थी लेकिन वो अपने मायके में ही रहती थी। घटनाटा হইছিলো ছেলেটা রাহুল শঙ্কর বলে যে ছেলেটা আছে তার বাড়িতে আছে, বাড়িতে এসে পরে তার বুলের সঙ্গে কোনোভাবে ঝুট ঝামেলা হয়। হওয়াতে ওর কাছে গান ছিল, মানে পাশাপাশি লোক দুটো গানের শব্দ শুনতে পেয়েছে। বেরিয়ে এসে পরে অনেক ছেলের সঙ্গে কথাও বলেছে, কোনো আরো কাউকে হয়তো মারার ওর মধ্যে ইয়ে ছিল, টেন্ডেন্সি ছিল, পাইনি যখন তখন ও গানটা নিয়ে পরেই কিন্তু বেরিয়ে গেছে। রাহুল সোনকার, রাহুল সোনকার নিজের বোনকে মেরেছে, নিজের বোনকে মেরেছে। কত বয়স ছিল? বোনের বয়স হয়তো 18-19 বছর আর ওর বয়স হয়তো 21-22 বছর। ছেলেটা ধরা পড়েছে? না না, ধরা পড়েনি। এই 3টার সময় হয়েছে ঘটনাটা। পুলিশ খুঁজছে, পুলিশকে রিপোর্ট দিয়েছি, কোন দিক দিয়ে গেছে না গেছে বলেছি। স্থানীয় লোগো নে বাতায়া কি উনোনে দো বার ফায়ারিং কি আওয়াজ সুনি থি, জিসসে ইয়ে মালুম হো রাহা থা কি রাহুল কিসি অর কো ভি ঢুন্ড রাহা থা। বহরহাল ঘটনা কি খবর পাকার আসানসোল সাউথ থানা পুলিশ মৌকে পর পৌঁছি অর লাশ কো কবজে মে লেকার পোস্টমার্টম কে লিয়ে ভেজ দিয়া তথা তফতিশ মে জুট গই। একটু ফায়ারিং ইনসিডেন্ট হইছে আসানসোল সাউথ থানাতে। ওনার যে ভাই ছিল ভিকটিমের, উনি ওনাকে হেডশট করে এখন পালিয়ে গেছেন। হতে পারে, আমি লোকের মুখে শুনেছি কি কিছু পারিবারিক সমস্যা ছিল বা কিছু অফের অফের ছিল, ওদের জন্য এটা হতে পারে। ওটা নিয়ে তদন্ত চলছে, ওটাকে ধরার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে। ईसीएल के सलानपुर एरिया की डाबर कोलियरी में प्रबंधन की वादा खिलाफी के खिलाफ श्रमिकों ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में एजेंट कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि बीते 6 सितंबर को श्रमिक संतोष बावड़ी की मौत कार्य के दौरान हो गई थी, उसके आश्रित को अब तक नौकरी नहीं दी गई है। इस मानवीय मामले में प्रबंधन की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि कोलियरी में मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद रहती है तथा एम्बुलेंस गायब रहता है। यदि एम्बुलेंस होता तो संतोष को मेडिकल सेवा मिल जाती और उसे बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उत्पादन के लिए सुरक्षा के पहलू की उपेक्षा की जाती है। उस एग्रीमेंट में तो लिख दीजिए कि जबरदस्ती के जगह में ब्रिटिश में जैसे शॉर्ट को ले लीजिए। नहीं, उसमें कर दीजिए फिर तो। ठीक है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। आप देख के ना बचा लो, देख के मार लो, बचा लो, बम बहुत देर मार जाएगा। कोलेर में कभी भी घटना घट सकती है, मगर मैनेजमेंट उसके ऊपर कोई दबाव नहीं दे रही, ध्यान नहीं है। ऐसा अगर उस टाइम संगे संगे एम्बुलेंस मिलता तो हो सकता है हम लोग और भी जल्दी रिकवरी कर लेते, तो दूसरी गाड़ी से हम लोग भेज उसको। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कोलियरी के एजेंट दिनेश प्रसाद ने इन आरोपों को ठुकरा दिया। उनका कहना है कि 6 सितंबर को कार्य खत्म होने के बाद संतोष की तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि 40 दिनों के अंदर आश्रित को नौकरी और उसके बकाए राशि की भुगतान की जाएगी। उन्होंने मेडिकल सेवा और सुरक्षा में लापरवाही के आरोप को खारिज कर दिया। और हम लोग जो अभी ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव और हम लोग ने जो डिसीजन लिया है उसमें 40 डेज के अंदर में उनका हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट का है प्रोसेस कर देंगे और प्लस उनका जो भी ड्यूज है हम लोग प्रोसेस करेंगे दे देने के लिए। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? उनकी तबीयत खराब हुई थी और हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और डेथ कर गए थे। ड्यूटी के बाद उनको भर्ती कराएंगे। ये 6 तारीख की घटना है ना, वो हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल में भर्ती हुए ड्यूटी के बाद में, इसी बीच उनका ज़्यादा तबीयत खराब हुआ और हॉस्पिटलाइज हुए, इसी कोर्स में उनका डेथ हो गया। ठीक है, बताया गया था कि डिस्पेंसरी बंद रहता है, ये सर? नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत रिपोर्ट है। डिस्पेंसरी खुला था, ये सब गलत रिपोर्ट है। आपका नाम क्या? मेरा नाम दिनेश प्रसाद हुआ। तुम्हारे घर की फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सगवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ,
तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँ कि फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आदि मोहिनी मोहन कांदीलाल जखन बेनारसी सोमवार तो होतेई हबे, तार पाशापाशी खुशीर ईदेर जोनो रोयेछे शिफन गाउन क्रॉप टॉपेर रकमारी। तार पाशापाशी रोयेछे मेल फ्रेंड्सदेर जोनो विपुल पंजाबीर अपशन। आदि मोहिनी मोहन कांदीलालेर आसनसोल शोरूम 116 जीटी रोड अपोजिट अफ वेटरन पेट्रोल पाम्प। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास के पास मनोज भास्कर के बैटरी की दुकान में बैटरी सहित नगदी चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार चोरों ने दुकान के शटर को तोड़कर बैटरी सहित नगदी चुरा ली। इस घटना से इलाके के दुकानदारों में आक्रोश देखा गया। बैटरी दुकान के मालिक मनोज भास्कर ने बताया कि उन्हें सुबह खबर मिली, उन्हें फोन पर किसी ने बताया कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और उन्होंने आकर देखा कि सभी बैटरियां गायब है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हाईवे के ऊपर व्यस्ततम सड़क पर चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। पहले भी इस इलाके में कई छोटी मोटी चोरियां हो चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी ये पहली बार हुई है। वे लोग इस घटना से काफी आतंकित है। पुलिस को घटना की सूचना दी गई और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारा दुकान में जो है सुबह में हमको पता चला, हमारे ही कोई जान पहचान के आदमी थे, बोले कि जो है जा करके जल्दी जाओ, दुकान में लगता है तुम्हारा शटर चढ़ा गया है। तो हम तोड़ करके आए तो देखे कि जो है हमारा जो है तीन गो शटर चढ़ा हुआ था और हमारा जो है पूरा बैटरी पर हाथ साफ कर लिया गया है। अभी तक तो हम मैंने उसका कैलकुलेशन मैंने हम बैटरी का कैलकुलेशन किए हैं कितना पिस गया है। मैंने अभी तक हम जो है अभी मिलाए हैं स्टॉक जिसमें अभी निकल कर आ रहा है 13 पीस, मैंने उस बढ़ भी सकता है, घटेगा नहीं। ठीक है, ये इसमें जो है सब मिला जुला, जैसे ट्रक का बैटरी, मशीन का, जेसीबी का बैटरी, टेम्पो का बैटरी, सब बैटरी था। क्योंकि ये दुकान था ना, हम रिटेल सेल करते थे तो इसमें सब चीज़ का बैटरी था। लगभग लगभग 2 लाख का करीब करीब हमको लगता है हो। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत बागबंदी मोड़ के पास बुधवार सड़क दुर्घटना में एक महिला और पुरुष घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार महिला सड़क पार कर रही थी, उसी समय एक पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। सनद रहे कि जहां घटना घटी है ठीक पास में ही ट्रैफिक पुलिस पोस्ट है, रोड की अवस्था भी बहुत जर्जर है, प्राय दिन इस जगह पर दुर्घटना घटती रहती है। नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरह कई जगह गड्ढे बन गए हैं जिसे आम जनता परेशान है। बड़ी दुर्घटनाएं भी कई बार घट चुकी हैं, लेकिन नेशनल हाईवे प्रशासन इसकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं देता है। दूसरा एक और कारण है कि काली पहाड़ी ओवरब्रिज अब तक शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण यहां पर गाड़ियों को क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहां पर महिला जब सड़क पार कर रही थी तभी पिकअप वैन ने उसे टक्कर मार दी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। घायल महिला और पुरुष को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। गाड़ी लेके जा रहे थाने में, आप कंप्लेंट कीजिए। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज पैसा कैसे